स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। और आज हम ये वीडियो लाए हैं जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी और ALP यानी RR रेलवे में ग्रुप डी और ग्रुप सी जो ALP की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर और उनके लिए लेटेस्ट न्यूज़ जो अभी आई है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारी नोटिफिकेशन क्या है, क्या न्यूज़ है और क्या अपनी क्राइटेरिया है। तो रेलवे ग्रुप डी के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले पता कर चुके हैं, हमें पता चल चुका है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम आपके नेम के अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेट्स उसे डिवाइड कर दिया गया है कि किन अल्फ़ाबेट्स के स्टूडेंट्स के नेम कौन से डेट पर एग्ज़ाम रहेगा। उसके एडमिट कार्ड लास्ट के जुलाई में आने वाले हैं और साथ ही साथ रेलवे ने स्टेटस चेक करने का एक ऑप्शन भी आपको दे रखा है। इस स्टेटस चेक करने के ऑप्शन में आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर, लॉगिन आईडी और डेट ऑफ बर्थ डाल के अपना फॉर्म है उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या अप्रूव्ड हुआ है या उसकी अंडर प्रोसेसिंग है। तो ये सब आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे अपने एप्लीकेशन स्टेटस पे देख कर। तो इससे आपको कन्फर्म हो जाएगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है या अप्रूव्ड हो गया है। उसके बाद हम आते हैं कि हमारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं उस पर। तो ग्रुप डी के अकॉर्डिंग हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर बहुत डिफरेंट हैं। मतलब जैसे हमारे ग्रुप थे उसी के अकॉर्डिंग, जैसे चेन्नई के ग्रुप चेन्नई वालों के लिए, इलाहाबाद के लिए, हैदराबाद, अहमदाबाद, हर किसी के लिए अलग अलग है। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए और हर तरह का आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको बेसिकली हम आपको इस वीडियो में दो क्वेश्चंस पेपर दिखाएंगे जो दोनों ही ग्रुप डी के होंगे। आप इसे आसानी से समझ सकते हैं, प्रीवियस ईयर के टू क्वेश्चन पेपर होंगे। आप इसे समझे अपने माइंड के अकॉर्डिंग, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, आपकी प्रिपरेशन क्या है उसे देखें और ज़्यादा मेहनत करें, बेस्ट ऑफ लक। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर हमें कितने क्वेश्चंस होंगे, यानी 100 आपके टोटल मार्क्स होंगे। ये रखा था, ये 2013 का हमारा क्वेश्चन पेपर यहाँ पे खुला हुआ है। तो ये हिंदी वर्जन का क्वेश्चन पेपर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। तो सेक्शन थर्ड आपका सेकंड है। इनमें से किस गवर्नर जनरल के शासन के दौरान 1853 में पहली रेल सेवा शुरू हुई। तो आप ये समझ लीजिए रेलवे से जितने भी रिलेटेड में क्वेश्चन हैं आप पहले बहुत सारे इसके सारे रिकवर कर लीजिए। उसके बाद आप जितनी भी आपकी हिस्ट्री है रेलवे से रिलेटेड वो आप सारी रिकवर कर लीजिए। और आसपास के जो प्लेस हैं जैसे भूटान, नेपाल, चीन, ये सारे इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा नॉलेज आपको होना चाहिए। ये आपकी आ जाएगी GS में। जैसे किस देश में एक प्रकार का नास्तिक समुदाय कॉरन मिल सकता है। तो इसमें इस तरह से हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक विस्तृत भाग आर्कन योमा किस देश में है। ये सिर्फ मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ, मैं इसमें आंसर वगैरह तो आप सर्च कीजिएगा उसके बाद ही आप देख सकते हैं। और इसको मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप इसके अकॉर्डिंग अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर मैच कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें बेसिकली आपके जो क्वेश्चंस हैं आपके हिस्ट्री से आए हुए हैं। आप देख लीजिए तराई क्षेत्र का युद्ध, पृथ्वी चौहान को किसने परास्त किया था, बोरा गुफाएं कहाँ स्थित हैं, किस नदी के तट पर पुलिकेशन सेकेंड ने हर्ष को परास्त किया। तो ये सब आप चेक कर सकते हैं, उसके बाद आप सारे मैच कर सकते हैं। और उसके बाद हम चलते हैं अपने सेकेंड और सेकेंड क्वेश्चन पेपर हमारा इलाहाबाद के खालसी गैंगमैन यानी कि लोको पायलट वाला। उसमें आपको इस तरह के क्वेश्चंस आंसर आप जैसे भी अकॉर्डिंग अपना फर्स्ट सेकेंड चूज कर सकते हैं कि आपको मैथ करना है, साइंस करना है या हिस्ट्री करना है। उसमें आप देख सकते हैं आपके क्वेश्चंस आपको दे रखा होगा और अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप ये भी समझ सकते हैं कि मीडियम से हाई लेवल तक आपके क्वेश्चंस यहाँ पे आ सकती है। जैसे आपको दे रखा है यहाँ पे देख लीजिए, दो संख्याओं का अनुपात 3/4 यदि उनकी लघुत्तम 240 तो संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है। मतलब संख्या नहीं पूछ रहा है, उनमें भी सबसे छोटी संख्या, पहले आपको दोनों निकालनी पड़ेंगी फिर कंपेयर करनी पड़ेंगी आप तब बता पाएंगे। इस तरह से आप मीडियम के हाई तक पहुंचने की कोशिश कीजिएगा तब आपका सिलेक्शन
अच्छे से हो सकता है। इसके बाद हम जैसे नीचे आ जाते हैं तो आपके मैथ के क्वेश्चन आएंगे ये आपके, और इसमें याद रखिएगा आपकी साइंस ज़रूर आएगी, साइंस आपकी आएगी 10th स्टैंडर्ड से, वो भी आपकी एनसीईआरटी से। जैसे सभी जैविक में यौगिकों में क्या पाया जाता है, कैलामाइन का एक अयस्क है, निम्नलिखित में से कौन सा ताप बिजली दोनों के लिए अच्छा वाहक है। तो इसलिए आप साइंस जो है बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ें, हर चीज़ आपको वाकिफ होनी चाहिए, आप हर चीज़ की नॉलेज रखें। साइंस में आपकी फिज़िक्स, केमिस्ट्री और आपकी बायोलॉजी जो होती है आपकी, उसमें भी आपके लगभग 5 या 7 क्वेश्चंस आपके मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं, कोशिका का ऊर्जा का आधार, आपका किस विटामिन की वजह से शरीर में स्कर्वी रोग होता है, ये सब त्वचा की बाहरी परत को क्या कहा जाता है, तो ऐसी सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है। और मोस्टली आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आपके पूछ जाएंगे। उसके बाद इस पीडीएफ में इसका आंसर भी दे रखा है, आप यहाँ से इसको मैच कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग पहले से सॉल्व कीजिए, फिर इसमें आप फिर आंसर की से मैच कीजिए। तो दोस्तों इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए और हमारे साथ बने रहिए, ताकि अब हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे ALP ग्रुप सी जो हमारा लोको पायलट है उस पर, ये ग्रुप डी क्या था और अब हम लाएंगे ग्रुप सी यानी कि ALP के बारे में।